रहीम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आपको हमारे YouTube चैनल डबल एस इंजीनियरिंग से खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो हम हमारी पिछली वीडियो उसका अगला नेक्स्ट पार्ट कह लें या उसी का हम सलसल कह लें जो हमने बनाई थी कि एक जो हमारी सक्सेस स्टोरी थी हमारी हमारे ही एक बिज़नेस की कि हमने एक हमारे फेसबुक पेज के थ्रू हमें कस्टमर ने रब्ता किया और हमने उसको सर्विस प्रोवाइड की विदाउट विजिटिंग ईच अदर प्लेसेस कि हम ना वो हमारे पास आया और ना ही हम उसके पास गए। उसने फेसबुक पेज से हमसे रब्ता किया नंबर फ़ोन नंबर लेकर और फिर हमसे कन्फर्म किया हमारी सर्विस के बारे में। फिर हमें थ्रू बाय किया कि हमें भिजवाया अपना आइटम, हमने उसको रिपेयर किया और उसको वापस फिर हमने बाइक के थ्रू वापस भिजवा दिया। उसने हमें ऑनलाइन हमारे बैंक अकाउंट में हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। तो ये सारा तरीक़ाकार था जो हमारा सारा विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन हमारे एक दूसरे के साथ हमने नहीं किया और वो बखैर खूबी बिल्कुल वो अंजाम को पहुँच गया। अच्छा, अब जो आज की वीडियो है वो मैंने पहले भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह वीडियो जल्दी बनाऊँगा इस टॉपिक पर कि हम किस तरह से एक जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है जो एक आम बिज़नेस है जिसकी आपकी हमारी जो एक वर्कशॉप है टेक्निकल वर्कशॉप है थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी से हम ज़रा हमारा रिलेशन रहता ही है किसी तरीके हवाले से, लेकिन जो एक आम दुकानदार है लेमैन है जिसका जिसकी करण है जिसकी दुकान जनरल स्टोर है सब्ज़ी की दुकान है गोश्त की दुकान है दूध दही की दुकान है ठीक है कोई भी बिज़नेस कपड़े की दुकान हो सकती है ठीक है जो भी हमारे आम हमारे एक मोहल्ले में गली मोहल्ले में आम लोकल एरिया में मार्केट में ही वो दुकानें मौजूद होती हैं तो वो किस तरह अपने आप को ऑनलाइन कर सकते हैं। जब हम कम बात करते हैं ऑनलाइन की तो ऑनलाइन से फॉरम रजन जाता जी के फेस वेब डिज़ाइनिंग है वेब डेवलपमेंट है फ्रीलांसिंग है उसमें डिजिटल मार्केटिंग होगी ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आज वो भी बात करूँगा मैं बात करूँगा कि जो आप बड़े आसान तरीके से और बड़े फ्री तरीके से विदाउट एनी वेस्टिंग मनी वेस्ट मैं वेस्ट ही कहूँगा जहाँ पर वेस्ट लफ्ज़ गलत हो गया विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी एक्स्ट्रा इन आप एक्सपेंडिचर करें तो जो आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं आई फोन हो सकता है तो उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप फ्री में ही अपनी वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या तरीका और सबसे पहले चीज़ है मैं जो मैं आपको बताऊँगा वह है फेसबुक पेज। आपका कोई भी बिज़नेस है आपका कोई भी दुकान है आपका कोई भी वर्कशॉप कह लें कोई भी आपका बिज़नेस कारोबार छोटी आपका एक ठैया कह लें आपका एक रेडी क्यों नहीं है लेट्स बहुत ही कि आपको शाम को आप किसी पार्क में किसी जगह पे आप एक स्नैक्स की आप चिप्स की समोसों की पकौड़ों की आप रेडी लगाते हैं मिसाल दे रहा हूँ आपको ठीक है कोई भी छोटा सा कारोबार है तो उसका आप फेसबुक पेज बनाएं। अब पेज कैसे बनाते हैं वो इसमें आप सर्च करें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। आप मैंने भी पेज बनाए हुए हैं कई पेज मेरे चल रहे हुए मेरे अपने बिजनेस के वाले से भी हैं मेरे और भी टॉपिक पे पेजेज हैं। तो जो पेज का मकसद होता है एक फेसबुक हम प्रोफाइल बनाते हैं जिसमें हमारी आईडी बनती है वो नहीं एक फेसबुक पेज होता है। जब आप आईडी पे जाते हैं तो आपके लेफ्ट पे थ्री वो एक लाइनें होती हैं फिर आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज का ऑप्शन आता है उसमें आप जाकर पेज वो अलग से टॉपिक है वो आप सर्च करें आपको मिल जाएगा ठीक है। पेज बनाते हैं पेज में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती चीज़ें पूरी करें मेन चीज़ होती है आपका उसका कवर पेज लोगो नहीं बनाता कोई इशू नहीं है लेकिन आप बाकी चीज़ें पूरी करें आप अपना फ़ोन नंबर दें अपना एड्रेस दें ठीक है और एड्रेस को पे आप गूगल मैप के साथ लिंक करें वो आगे आता हूँ मैं बताता हूँ किस तरह करते हैं तो वो आप उसको करें तो वो आपका पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उस पेज पे आप डेली आपने अपनी जो शॉप के रिलेटेड जो पोस्ट करनी है ठीक है और उस बिजनेस के रिलेटेड जितने भी ग्रुप बने हुए आपके एरिया में आपके मुल्क में आप जहाँ भी आप रह रहे हैं काम कर रहे हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन करें और उनके अंदर वो अपनी पोस्ट शेयर करें अपने पेज के थ्रू ना कि अपनी पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू। पेज के थ्रू जब करेंगे तो लोग आपके पेज पर आएंगे और पेज के जरिए आप रब्ता करेंगे और आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो करेगा और आपको कस्टमर आपके बढ़ते रहेंगे। उसके बाद है अपने बिज़नेस के रिलेटेड यूट्यूब चैनल बनाना ठीक है जिसमें अभी आपके जिस चैनल के थ्रू बात करूँ ये मेरे यूट्यूब चैनल है तो गो के भी इतना मैं इस पर मैं काम नहीं किया ना भाई ना मुझे टाइम मिलता है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है तो फिर भी मुझे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी काफ़ी कस्टमर मिलते हैं और फेसबुक पेज के थ्रू भी काफ़ी कस्टमर मिलते हैं जो मेरी शॉप तक नहीं आते नाम हम तो जाते हैं वो हमें रब्ता करते हैं मैं जाऊँ सियासी उनसे हम अप्रोच करते हैं फिर वो हमें उनको सर्विस दे के जो हमारे कस्टमर पेमेंट होती है वो हम उनसे ले लेते हैं तो ये हमारा भी हमें काफ़ी हमारे जो कस्टमर है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मिलते हैं। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने जो भी आप वीडियो की शक्ल में आपकी एक्सप्लेनेशन है आपकी आपकी जनरल स्टोर किराना स्टोर है
आपके पास ऐसी कुछ चीज़ आ जाती है जो किसी के पास नहीं है, तो आप उसको वीडियो बना के, जी हमारे पास चीज़ है इसको हम होम डिलीवरी भी कर सकते हैं, आपको भिजवा भी सकते हैं, उसका ये रेट होगा, शॉप पे आएंगे ये रेट होगा, तो जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करें, कोई भी किसी भी ज़ुबान में करें, कोई यूट्यूब आपको मना करता है, आपको इंग्लिश पे करें, उर्दू में करें, पंजाबी में, जो लोकल एरिया है उसमें करें, तो आपको इंशाल्लाह उस पर भी कस्टमर मिलेंगे। तीसरा होता है गूगल मैप, ये सबसे अहम एक मीडियम है, जो लोग बहुत कम लोग इससे वाकफ़ हैं, जो लोग इससे वाकफ़ हैं वो इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे समेत, ठीक है। गूगल मैप हर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर इन बिल्ट एक ऐप होती है, तो जो आपको किसी भी जगह पे आपने जाना है, वो आपको लोकेशन के साथ, आपको वो लोकेशन के हिसाब से आपको उस जगह तक आपको बेस्ट पॉसिबल आपका रूट आपको प्रोवाइड करती है, और वहाँ उसको अगर आप ट्रैक करते हैं तो वो आपको साथ साथ वहाँ पर उस जगह तक पहुँचने तक आपको वो गाइड करता है। तो ये जो इसमें आपको ये एक ऑप्शन देता है आपको बिजनेस को उसके ऊपर एनलिस्ट करना, ठीक है, एनलिस्ट योर गूगल मैप, योर बिजनेस ऑन गूगल मैप, तो उसका फ़ायदा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, और वो बड़ी एक पावरफुल टूल है फेसबुक और गूगल यूट्यूब से भी, कि वो ये कि अगर आप, आपका बिजनेस है आपकी लोकेशन के साथ, जहाँ आपने लोकेशन मार्क की है उस जगह पर आपने उसको लिस्ट किया है, उसके बाद गूगल का एक प्रोसीजर है, उसको वेरीफाई करवाता है, खुद कराए या किसी और से करवाए या आपके थ्रू किसी और से करवाए, तो वो जब वो वेरीफाई हो जाता है तो वो आपका जो बिज़नेस है उस गूगल मैप पे वो अनलिस्ट हो जाता है। उसके बाद उस एरिया में जो आपकी सर्विस है, लेट्स सपोज कि हमारा जो बिज़नेस है वो है होम अप्लाइंसेस रिपेयर का, रेफ्रिजरेटर कंडीशनिंग वर्कशॉप की, हम हमारी वर्कशॉप है, मुझे अभी तक, मैं मुझे साल हुआ बिज़नेस शुरू करते हैं, तो मुझे भी 8 से 10 कस्टमर ऐसे मिले हैं जिन्होंने मुझे गूगल मैप के थ्रू रब्ता किया, और उनमें से 80% मेरे पक्के कस्टमर बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस इलाके में नए शिफ्ट हुए थे, उन्होंने अपने लोकेशन ऑन करके, तो वहाँ से उन्होंने जब लिखा कि रिपेयर टेक्नीशियन नियर मी, तो वो उसमें मेरी जो बिज़नेस है वो टॉप पे उनके सामने शो हुआ, तो उस पर जब उन्होंने क्लिक किया तो मेरा फ़ोन नंबर के पास चला गया, उस पर मुझे रब्ता किया, तो फिर हमारा इंटरेक्शन बस में स्टार्ट हो गया, हम जो जो हमारा फिर डील हुई वो भी। तो गूगल मैप पे आप, आपको बहुत यूट्यूब वीडियो मिल जाएंगी इसको किस तरह करते हैं, पूरा इसमें कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन लंबा जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल अपना जो आपका एक शॉप का है लेआउट है उस पर बनाएं, उसके ऊपर अपनी चीज़ें पोस्ट करते रहा करें, टाइम टू टाइम टाइम पर जो आपको नई चीज़ आती है, नई प्रोडक्ट आती है, उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद जो बिज़नेस का अगला जो सोशल मीडिया पे है वो इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में ज़्यादातर जो लेडीज़ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड बिज़नेस की पोस्ट होती हैं, लेकिन इस पर आप कोई भी कर सकते हैं, ये फेसबुक का ही सब वर्जन है, ठीक, फेसबुक की ही दूसरी है, एक एप्लीकेशन कह रही है, उनका एक अलग पार्ट है, तो इस पर भी आप अपनी बिज़नेस के रिलेटेड कोई भी, फेसबुक की तरह इस पर भी आप अपना स्टोरी क्रिएट करके अपने बिज़नेस को वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो शोबिज़ से रिलेटेड जो लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ के, वो ज़्यादा अपना यहाँ पर उनके अकाउंट्स होते हैं, तो लेकिन अगर आम बिज़नेस है, ट्रेडिशनल बिज़नेस है, तो उसको भी आप उस पर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में आता है वेबसाइट, ये सबसे आखिर में शुरू में आना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है कि जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है जी हमारे की वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के ऊपर हम अपना बिज़नेस को, हमारे बिज़नेस की वेबसाइट बनाएंगे, उस बिज़नेस वेबसाइट पे लोग आएंगे, जब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगी इस पर हम पैसे मिलेंगे, वो अलग टॉपिक है, वो अलग एक गूगल का एक प्रोग्राम है कि जिसके थ्रू आपको पेमेंट आती है जब आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाती है, लेकिन उसे हट के भी आपके जब स्पेशल ये जो लोग हमारे फूड पांडा कह लें या दूसरी जो इस तरह की होम डिलीवरी की जो खाने की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, सेवर है या बाकी चीज़ें हैं, ये लोग KFC है, मैकडोनल्ड्स है, तो इनकी वेबसाइट्स पे इनके पास बिल्ट ऑप्शन होता है कि आप इनको जाके ऑर्डर करते हैं, और कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं कि जिनके थ्रू आप पेमेंट भी वेबसाइट पर ही कर देते हैं, ये भी वो ऑप्शन देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर चलता है कि कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि लोग अभी इस उनका इतमाद इस लेवल तक नहीं पहुंचा कि वो पेमेंट कर दें थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के, और चीज़ के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो विद के बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये निज़ाम चलता है, वहाँ पर बिल्ट इन पेमेंट का ऑप्शन होते हैं वेबसाइट के ऊपर ही, और वहीं से पेमेंट ऑर्डर करते हैं, पेमेंट करते हैं, चीज़ उनके बाद ऑटोमेटिकली उनके पास पहुँच जाती है, तो लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा चलता है कैश ऑन डिलीवरी। तो वेबसाइट आप बना सकते हैं, ये आपका उस लेवल पे जाके है जब आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है, लोग आपसे
बहुत ज़्यादा आपसे आपका सर्कल बढ़ जाता है, आपके कस्टमर आपके बढ़ जाते हैं, तब आपको वेबसाइट आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ये एक पेड वर्जन है, वेबसाइट फ्री में नहीं बनती। कुछ हैं जो फ्री में आपको होस्टिंग देते हैं, लेकिन वो उसमें फुल ऑप्शन नहीं होते, उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलता। तो बेहतर ये है कि आप, जो पहले मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ कि फेसबुक पेज है वो बनाएं अपने बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का कारोबार है, यूट्यूब चैनल बनाएं, ठीक है, गूगल मैप पे उसको इंडेक्स करें, ये तीन हैं, इस पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपका जो आपको कस्टमर काफ़ी मिलेंगे, क्यों हर बंदे के हाथ में ये चीज़ें मौजूद हैं। हाँ, आखिरी चीज़ व्हाट्सएप, ठीक है, जो मैं इसमें मैंशन करना भूल गया, व्हाट्सएप को आप बिज़नेस के लिए इसमें इसे कर सकते हैं, जितने आपके कस्टमर आपके हैं ऑलरेडी, ठीक है, या आपके पास, लेट्स सपोज कि मेरे पास अभी तक मेरे जो जो रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे पास मोर देन 1,000 कस्टमर मेरे 2 साल या 20 साल से ऊपर हुआ है मेरे पास बन चुके हैं, ठीक है, कि जिनको मैंने सर्विस दी है, और वो जो उनमें से 70% मेरे पास दोबारा रिपीट होके आते हैं, कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, अब नए नए लोग आ रहे हैं, तो उनके मेरे पास सबका मेरे पास फ़ोन नंबर मौजूद है। अब उनको मैंने ये क्या किया हुआ, मैंने उनके जो नंबर्स हैं उनको, उनका व्हाट्सएप ग्रुप, उनको अपना अपने शॉप के नाम पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके में उनको उस तमाम नंबर्स को मैंने ऐड किया हुआ है। अब जो लोग उसमें आपको बहुत सेंगे हमने नहीं ऐड, वो खुद निकल जाएंगे, जाने दें, आपको कोई इशू नहीं, फिल्टर लोग होते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आपने अपना काम करना है। तो उसमें आपने जो भी आप अपना काम करते हैं, कोई नेक चीज़ आपके पास आती है, मेरे पास मैंने पिछले दिनों सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, काम शुरू किया, तो उसके मैंने पोस्ट की उस पर की, उसमें जो अब तक के वाकई ये पता चलो उससे हमसे उनसे उन्होंने काम ज़्यादा करवाया होगा, तो अब वो हमसे रब्ता करते हैं, ठीक है, तो उनको तो को उनसे इन टच रहने के लिए बड़ा एक अच्छा एक तरीका है वो, कि आप एक पोस्ट करते हैं तमाम मेंबर तक वो पहुंच जाती है, उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड हो आप फिर रब्ता करें, नहीं करें वो आगे किसी और को शेयर कर देगा, ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि जो आपको फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। अब चार चीज़ें हो गई, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, गूगल मैप है, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, तो इन पे आप चलिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर बंदे के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, ये चार चीज़ जो ऐप्स यूज़ करता ही करता है, ठीक है, आप दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।